हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, आज सुबह सुबह मैंने बनाई है खीर, ये देखिए। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने हल्की वाली जो मूंग की दाल होती है ना, मतलब जो लाइट वेटेड होती है, वो मैंने चढ़ा दी है। विहान ने खाई नहीं लेकिन खीर, एक्चुअली सुबह सुबह कुछ नहीं खाता, ये दिन में खा लेगा। एक बार जैसे बना के रख दी मैंने। और ये देखिए, ये मैंने कल बनाए थे पेड़े, खोए की मिठाई है ये मेरी। यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद अभी बस मेरे को बाल कॉम करने हैं। मेरे बाल काफी, कल जैसे मैं पापा जी के साथ स्कूटी पे चली गई थी तो ना पूरे रफ हो जाते हैं बाल। ये देखो, अभी कंघी करनी है मुझे। बाल मैंने कॉम कर ली है और मेरी दाल बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये वाली दाल है मेरी, और ये वाली छुटकू सी कटोरी में है विहान की, और ये है हमारा घी, घर पे बना हुआ घी है। तो मैं इसमें देखिए विहान की कटोरी में भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा घी मैं डालूंगी खुद की कटोरी में। रूम की सफाई देख लीजिए, पूरी बढ़िया तरीके से कर दी है। बेडशीट मैंने आज बदली नहीं है, बस यही वाली बिछा रखी है, अभी एक दो दिन बाद मैं चेंज करूंगी। ये देखो, विहान ने सारी चाय पत्ती नीचे गिरा दी है और इसके साथ खेल रहा है। देखो ये बर्तन में डाले जा रहा है, ये देखो सारा नानू का काम बढ़ा दिया। देखो पापा जी ने रखी थी यहाँ चाय पत्ती की, कभी चाय बना ली, खोल लिया पैकेट, अभी भी उठा रहा है यहाँ से, उठा उठा के बर्तन में लगा रहा है। काम मिल गया ना विहान को। टा टा, हाँ हाँ मेरा बच्चा, हाँ अंदर आ रही थी। और ये देखिए, मम्मा ने पोछा लगा दिया है, पंखा चलने लग रहा है, तो अभी तो थोड़ी देर बाहर ही मुझे वेट करना पड़ेगा। जूते चप्पल कितने फैले हुए हैं ना, मैं एक सेकंड लगा के इसको सेट कर देती हूँ। ये तो मैंने पूरा अच्छे से जचा दिया है सारे, मतलब चप्पल जूती, ये देखिए पूरा हिसाब से अच्छे से लगा दिए हैं। सामने ये कौन सा पक्षी है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे हो आप सब। आज मैं एवरटीन की तरफ से आप सबके लिए लेकर आई हूँ नेचुरल इंटीमेट वॉश। ये क्या है, कैसे यूज होता है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेडीज के जो प्राइवेट पार्ट में, आप सबके साथ भी कभी ना कभी ये दिक्कत आई होगी, कई बार सीजनल होता है, जैसे बारिश का मौसम हो जाता है, वैसे भी कई बार होता ही है लेडीज के, क्या होता है ना जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है प्राइवेट पार्ट में। इसके अलावा कई बार स्मेल आने लग जाती है, ऑडर आती है, और भी काफी सारी दिक्कतें आती है, रैशेज भी हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि जो अगर हम लेडीज प्राइवेट पार्ट पर सोप इस्तेमाल करते हैं, साबुन से प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लेडीज का प्राइवेट पार्ट का पीएच अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन, इचिंग, ड्राइनेस, वेटनेस जैसी काफी ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना लेडीज को करना पड़ता है, जिनके लिए लेडीज कई बार आप बताती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है हॉस्पिटल से डॉक्टरी इलाज भी लेना पड़ जाता है। तो इन सब दिक्कतों का आज मैं आपको बहुत ही परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये लेकर आई हूँ एवरटीन की तरफ से नेचुरल इंटीमेट वॉश। चलिए मैं आपको दोनों के दोनों पैक हैं ये ओपन करके दिखाती हूँ, और इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देती हूँ।
एवरटीन की तरफ से नेचुरल इंटीमेट वॉश है, ये 100% नेचुरल है। सोप SLS एंड SLES फ्री है, एक्स्ट्रा माइल्ड है, हर स्किन टाइप पे आप यूज़ कर सकते हो। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम है, जो कि नेचुरली हेल्प करता है वेजिनाल में जो यीस्ट इन्फेक्शन जिसको कैंडिडा बोला जाता है उसे ठीक करता है। इसमें सी बकथोर्न है जो कि काफ़ी वेजिनाल इचिंग को से हमें ठीक करता है। इसके अलावा इसमें टी ट्री ऑयल है जो कि एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इन प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा जेल भी है, एलोवेरा है जो कि हमारी स्किन में जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। तो इसको आप लगाइएगा और इसको अपनी आईज से बचा के रखिएगा और इसको बच्चों से दूर रखिएगा। और इसको हमें सिंपली वेट वेजिनाल एरिए में लगाना है, यूज़ करना है, और इसको आप एक्सटर्नली वेजिनाल एरिए पे लगाइएगा और उसके बाद पानी से वॉश कर दीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड ये आपको मैं इंटीमेट वॉश दिखा रही हूँ, ये स्पेशली मोम्स के लिए है जो प्रेगनेंसी जिनके अभी बेबी हुआ है, जिन्होंने चाइल्ड बर्थ दिया है, उनके लिए तो स्पेशली ये वरदान है क्योंकि उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें विच हेजल पाया जाता है जो कि हमें प्रेवेंट करता है जो पोस्टपार्टम जो वेजिनल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये पीएच बैलेंस करके रखता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है जो अभी अभी मोम बनी है, तो उनको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हर तरीके की जो दिक्कत होती है उससे आपको बचाएगा भी और आपका पीएच बैलेंस भी बना के रखेगा। तो आपका इंटीमेट हाइजीन्स भी बनाएगा, वेजिनल मॉइस्चर भी बना के रखेगा और एवरीडे आपकी फ्रेशनेस भी बरकरार रखेगा। तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपकी वेजिनल इन्फेक्शन से आपको बचाता है, इचिंग इरिटेशन से बचाता है और अनप्लेजेंट ऑर्डर से भी आपको बचाता है। तो ये तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। तो जी यूज करने के बारे में बताना चाहूंगी कि इनको कैसे यूज करना है। तो जैसे आप डेली अपना सोप यूज करते हो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको दो टाइम यूज करना है, जैसे नहाते हुए मॉर्निंग में, जैसे भी आपका जब बाथ टाइम हो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा सोने से पहले भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप सोप लगाते हो प्राइवेट पार्ट पे उसी तरीके से आपको ये इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना है, 2 मिनट तक लगाए रखना है। उसके बाद अपना जो नॉर्मल पानी होता है जिस वाटर से आप नहाते हो उसे ही मतलब आप वॉश कर दीजिए। तो आपको पूरा दिन बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस फील होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्पेशली लेडीज के लिए। तो जल्दी से जल्दी जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जल्दी से जल्दी जाना है और बहुत अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल मत छोड़िए, लेडीज़ को अपने हाइजीन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और उसे मेंटेन करके चलिए। तो चलिए, थैंक यू। तो मेरे को ना कमेंट्स आए थे, मेरे को सिर्फ एक जवाब देना है क्योंकि वो कमेंट मैंने ना हटाया, फिर उसके बाद फिर आया मेरी कोर वीडियो पे, मैंने फिर हटा दिया, फिर आया, मतलब कोई मतलब बंदा रिपीटेड तौर पे कमेंट कर रहा था। तो होता नहीं कई बार आपके ना दिल पे कोई बात मतलब वो बात दिमाग में रह जाती है, तो वो मुझे क्लियर करनी थी। तो बात ये थी कि उस कमेंट में ही आया हुआ था कि मतलब जब से आपके घर पे कोई गेस्ट आए थे, मतलब आपको भी पता है रिसेंटली मेरी वीडियोस में आपने देखा था, आज से शायद 10-15 दिन पहले कोई गेस्ट आए थे मेरे घर पर, तो ये बात हुई थी कि ना तब से ना इसने शादी का टॉपिक छोड़ दिया है, शादी नहीं करती, पहले अपनी वीडियोज़ में बहुत शादी करती थी। तो ये इस कॉमेंट का मुझे सिर्फ इतना जवाब देना है कि आज के टाइम में मेरे को मेरी लाइफ में मेरा लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा कैरियर है। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपनी नौकरी करना चाहती हूँ, अच्छे से अच्छी अपने लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बनी हुई हूँ लेकिन और भी ज़्यादा बनना है, बहुत अच्छे से बनना है, इतना सेल्फ स्टैंड बनना है कि कल को ना सामने कुछ चीज़ दिखे या बंदा ये सोचे, मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं रहना लाइफ में, मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना मुझे लाइफ में। और अपने आप को बहुत पुशअप कर रही हूँ इस टाइम में, बहुत आगे अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रही हूँ और उस मेहनत को बरकरार रखना है मुझे, क्योंकि बस इतना ही था। मैंने कहा उस कमेंट का मैं जवाब दे दूँ, तो उस कमेंट में बस इतना ही था, मैं कह रही हाँ सच है ये बात, मैं अपनी लाइफ में अब बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने भी लग जाऊँगी जब आप कोशिश करते हो ना धीरे धीरे लाइफ में। पर अपने कैरियर में पढ़ाई भी कर रही हूँ मैं अभी रिसेंटली, और आने वाले दिनों में कोई ना कोई मैं अच्छा सा एजुकेशन कोर्स देखती हूँ, उसमें एडमिशन भी लूँगी। और विचार तो मेरा यही है, देखती हूँ मैं कुछ ना कुछ सोचूंगी अब आगे, कुछ देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी अब मैं, आगे पढ़ाई करनी है मुझे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, और मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा,
मैं अपना लाइफ का मतलब अपने अपने एम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस, कि ये मेरा गोल है लाइफ का, ये मुझे अचीव करना है और कर लूँगी। डेडिकेशन फुल है मेरे में। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।